माननीय अखिलेश यादव जी ने मेरे को पहले मेरे काम की सराहना की और बहुत अच्छे से बात किया, काफ़ी सीधे सिंपल इंसान है वो। और उन्होंने जैसे सुना कि मैं रिक्शा चलाती हूँ, उन्होंने तुरंत बोला कि रिक्शा दिलाओ इनको। रिक्शा आप पहले से ही चलाती थी या खरीद के सीखी और चलाना शुरू कर दी? नहीं भैया, मेरे को तो एक स्कूटी भी चलाना नहीं आती है। मैंने ई रिक्शा सीखा है 100 रुपये में, कभी 15 मिनट के 100 रुपये दिए हैं, कभी 1 घंटे के 100 रुपये। ये कहा जाए कि इतनी मेहनत आप किस लिए करती हैं? तो अपनी बेटी के लिए और भरण पोषण परिवार, जो मेरा परिवार है, बेटी ही है। बेटी आपकी किस क्लास में है और क्या करना चाहती? 12th में है, बायो सब्जेक्ट है उसका, डॉक्टर बनना चाहती है। ये बताइए कि अखिलेश यादव जी से जब मुलाकात होती है, वो ऐसा खबरें चलाई जा रही है कि आपको 1 लाख रुपया की धनराशि भी मिली है, कहाँ तक सत्य है? सच है भैया, सच है ना? हाँ, उन्होंने मेरे को चेक दिया है कल ही मेरे हाथ में। उन्होंने मेरे को मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर मेरे हाथ में चेक आ गया था। हाँ, तब अगर 1 लाख का चेक किसी पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जब मिलता है, तब उस समय आपको क्या फील? कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानना। मैं एक टाइम पे हारी थी, पर हार करके उठ गई। का कितना बड़ा सहयोग मानती हैं अखिलेश यादव से मिलने के लिए? बहुत बड़ा। सबसे पहला मीडिया के थ्रू ही मैं भैया जी से मैं मिल पाई हूँ। जी, वीडियो बनाया उन्होंने, फिर विकास यादव भैया हैं सांसद, उन्होंने वीडियो देखा, फिर मेरा नंबर मांगा और उन्होंने मेरे को कॉल पे कहा कि अखिलेश भैया आपकी मदद करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश जौनपुर के सिटी रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं ये सिटी रेलवे स्टेशन है, और आपको बता देना कि जब इंसान के अंदर कुछ करने की क्षमता आ जाती है और जब उसको ये लगने लगता है कि मैं संसार में लोक लज्जा को छोड़कर कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो संसार में बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि चूल्हा बर्तन करने वाली जौनपुर में एक ऐसी महिला जो ई रिक्शा चलाकर अपने घर का भरण पोषण करती हैं, और उनके पास एक बिटिया है जिस बिटिया को वो पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाना चाहती हैं। ऐसे में अगर आपको बात करें, कल उनकी मुलाकात पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है उनके इस कारनामे को देखकर, ये सारी चीज़ें हम जानकारी लेने के लिए मौजूद हैं इस समय जौनपुर सिटी स्टेशन पर। तो आइए हम ऐसे में खास बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये दिन रात मेहनत करती हैं, और यहाँ पे खचाखच इनके रिक्शा पे सवारी भी है, और अब यहाँ से ये रेडी हुई हैं जाने के लिए। ऐसे में मैं 5 मिनट रोक के इनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले गायत्री जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत बहुत स्वागत हो। कल मुख्यमंत्री जिसे आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ आश्वासन मिला और क्या कुछ कहे? भैया जी, उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी ने मेरे को पहले मेरे काम की सराहना की। और बहुत अच्छे से बात किया, काफ़ी सीधे सिंपल इंसान है वो। और उन्होंने जैसे सुना कि मैं रिक्शा चलाती हूँ, उन्होंने तुरंत बोला कि रिक्शा दिलाओ इनको। पहले आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, आप रहने वाली कहाँ की हैं और जौनपुर में कब से रह रही हैं, और कब से ये आपका ई रिक्शा का सफ़र शुरू हुआ और क्यों ये करना पड़ रहा है, आपके हस्बैंड कहाँ पे हैं, सारी चीज़ें आप हमारे दर्शकों को बताएं। भैया, मैं वैसे तो प्रॉपर अयोध्या की हूँ जी, पर मेरी अब तक की ज़िंदगी एमपी में ही बीती है। मेरा जी एजुकेशन मेरा भोपाल में हुआ था, अपने हस्बैंड के साथ मैं इंदौर में रहती थी, वहाँ पर उनका कुछ हुआ प्रॉब्लम तो वो दूसरी किसी के साथ चले गए। शादी कर ली? नहीं, शादी तो नहीं हुई है, पर वो किसी और के साथ हैं, मेरे साथ नहीं है। यहाँ मेरी बहन रहती है, अपनी बेटी को भेजा था मैंने यहाँ पढ़ने के लिए, उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी, सीरियस हो गई थी, इसलिए मुझे आना पड़ा था यहाँ पे। मैं वहाँ पे जॉब करती थी मॉल में, उसके बाद होंडा के शोरूम पे 2.5 साल मैंने जॉब किया है। फिर यहाँ पे आई तो फिर दीदी और जीजा जी ने बोला कि अब जब दो ही लोग हैं तो अलग मत रहो, यहीं रहो। और फिर मैंने यहाँ पे भी जॉब ढूंढी भैया, तो वही 7,000-8,000, और इसमें मेरा क्या होगा। तो मेरी दीदी और जीजा जी ने सजेस्ट किया कि एक काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं इसमें। ये रिक्शा आप पहले से ही चलाती थी या खरीद के सीखी और चलाना शुरू कर दी? नहीं भैया, मेरे को तो एक स्कूटी भी चलाना नहीं आती है। मैंने ई रिक्शा सीखा है 100 रुपये में, कभी 15 मिनट के 100 रुपये दिए हैं, कभी 1 घंटे के 100 रुपये दिए हैं, ऐसा करके 6-7 दिन में मैंने सीखा। फिर उसके बाद मुझे किराए से रिक्शा नहीं मिल रहा था। फिर यहाँ पॉलिटेक्निक पे हैं एक नीतीश तिवारी भैया, बहुत अच्छे, बहुत सज्जन इंसान है, उन्होंने मेरे को किराए से रिक्शा दिया और उन्होंने मेरी मदद भी की काफ़ी। मतलब कि ये रिक्शा जो आपका है, जिसको अभी आप चला रही हैं, ये किराए पर चलाती हैं, ये आपका खुद का है? किराए पे है भैया अभी। अच्छा, अभी आप किराए पे जी? तो उन्होंने ही मेरे को दिया रिक्शा, और
शुरुआत के दिनों में उन्होंने पैसे भी नहीं लिया था, काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने मेरा, उसके बाद से मैं चला रही हूँ। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि इतनी मेहनत आप किस लिए करती हैं? तो अपनी बेटी के लिए और भरण पोषण परिवार, जो मेरा परिवार है, बेटी ही है। बेटी आपकी किस क्लास में है और क्या करना चाहती है? 12th में, बायो सब्जेक्ट है उसका, डॉक्टर बनना चाहती है। बिटिया को आप डॉक्टर बनाना जी चाहिए। जी जी भैया, आप ये देख सकते हैं चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन मेहनत अगर कहा जाए, ये दिन रात मेहनत करती हैं। इनसे हमारी सुबह में बात हुई थी तो ये इनका शेड्यूल जो था वो बिजी था, बताई कि भैया थोड़ा सा कमाने का समय है और इस समय थोड़ा से हम इधर उधर जाएंगे और सवारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाएँगे। फिर हम लोगों ने शाम का शेड्यूल सेट किया, तो अभी इस समय अगर हम घड़ी में आप करें तो इस समय 4:30 बज रहा है। 4 बजे हमारी इनसे मुलाकात हुई है और आपको बता दें कि ये केवल 30 मिनट के लिए रूम पर जाती हैं खाना खाने के लिए, बाकी पूरा दिन भर मेहनत करती हैं अपने लड़की को डॉक्टर बनाने के लिए। अच्छा, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो ऐसी समस्याओं से ग्रसित हैं, अगर कहा जाए उनके हस्बैंड उनको नहीं मानते हैं और तमाम प्रकार की समस्या, उनके पास बेटे बेटी भी हैं और वो भी पढ़ाना चाहती हैं, तो वो कैसे स्ट्रगल करें, आप कुछ एक मूल मंत्र बताएँ। भैया, पहली बात तो मेहनत से मत डरें और अपने आप को किसी से कम ना समझें कि हम ये आदमी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ऐसा कोई काम नहीं है जो औरत नहीं कर सकती है, और डिपेंड नहीं रहना चाहिए किसी पे भी, कभी भी। मैं बोल रही हूँ, बहुत अच्छी है आपकी मैरिड लाइफ चल रही है, फिर भी डिपेंड मत रहो, थोड़ा बहुत कुछ तो कमाओ, अपने पेट भर का कमाओ जी। उससे क्या आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मसम्मान बना रहता है। बस मैं यही कहना चाहूँगी। हाँ, अच्छा ये बताइए कि अखिलेश यादव जी से जब मुलाकात होती है, वो ऐसा खबरें चलाई जा रही है कि आपको 1 लाख रुपया की धनराशि भी मिली है, कहाँ तक सत्य है? सच है भैया, सच है ना? हाँ, उन्होंने मेरे को चेक दिया है, कल ही मेरे हाथ में उन्होंने, मेरे को मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर मेरे हाथ में चेक आ गया था। हाँ, तब अगर 1 लाख का चेक किसी पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जब मिलता है, तब उस समय आपको क्या फीलिंग होती है? भैया, मुझे तो बहुत खुशी हुई, मुझे माननीय अखिलेश यादव मेरे लिए भगवान समान हो गए हैं, क्योंकि आज तक मेरी इतनी बड़ी मदद किसी ने की ही नहीं है। जी जी, 1 लाख रुपया बहुत बड़ी बात होती है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कभी आपने सोचा नहीं था कि हम ई रिक्शा चलाकर अखिलेश यादव से मिल जाएंगे, सही है कि नहीं? उनको आप मंचों से सुनती होंगी, उनको आप टीवी पर देखती होंगी, लेकिन कल आप उनसे उनके पास में बैठकर बातचीत की है। जी भैया, और बहुत ही सादगी से, बहुत अच्छे से बात करते हैं। उन्होंने ये भी पूछा, और कुछ दिक्कत हो तो बताइए। तो मैंने कहा, नहीं भैया, आपने बहुत बड़ी मदद की है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो मुझे आगे रिक्शा खरीदने में काम आए, जो कि 1 लाख नहीं, 1 करोड़ के बराबर बराबर है। जी भैया जी, तो आप ये देख सकते हैं, ये गायत्री यादव जी हैं और ये जौनपुर में ई रिक्शा चलाती हैं, रहने वाली अयोध्या की हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं ई रिक्शा पे, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, महिलाओं के अंदर इतना बड़ा जो उत्साह आप देखते हैं कार्य को करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? अच्छा नाम है। अच्छा सर, अभी आप इस समय कहाँ पे जा रहे हैं? इससे मैं पॉलिटेक्निक जा रहा हूँ। पॉलिटेक्निक जा रहे हैं जी। अगर इस प्रकार से महिलाएं जब स्ट्रगल करती हैं समाज में, ई रिक्शा चला के और तमाम प्रकार के कार्य करती हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है महिलाओं को, सेल्फ डिपेंड होकर कम से कम अपने परिवार भरण पोषण कर रही हैं, और लोगों के अंदर जो है उत्साह पैदा होता है इससे और महिलाएँ देख कर सीख सकती। जी 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 जी। तो आप ये देख सकते हैं, ये बैठे हुए यात्री हैं, हालांकि इनके बारे में हमको पता नहीं था, लेकिन ये अपनी राय दे रहे हैं कि एक महिलाएं कैसे आगे बढ़ सकती हैं। हालांकि इस वीडियो को एक दिखाने की कोशिश कर रहे थे उन तमाम लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे और वो अपने पति के ऊपर डिपेंड होती हैं, वो चाहते हैं कि पति कमाए और हम घर बैठ के आराम से खाएं, लेकिन स्त्रियां भी अगर चाहें तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं, सही है कि नहीं भैया? सही है ना? बहुत सही है। सही है ना? क्या नाम हुआ? अर्जुन यादव। अच्छा, अर्जुन यादव, आप ये देख सकते हैं, तो ये लोगों का विचार है। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा कि ताकि वो हर महिला ये सीख सके कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है तब भी हम संसार में आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट सवाल है, जाते जवाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? लोग आपको बहुत प्यार कर रहे हैं और आपकी वीडियो खूब देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगी सभी लोगों को, और बस इतना कहूँगी कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना। मैं एक टाइम पे हारी थी, पर हार करके उठ गई मैं वापस से, तो मैं सबको यही मैसेज दूंगी कि हार करके कभी निराश होकर के बैठे ना। मीडिया का कितना बड़ा सहयोग मानती हैं अखिलेश यादव से मिलने के लिए? बहुत बड़ा, सबसे पहला।
मीडिया के थ्रू ही मैं भैया जी से मैं मिल पाई हूँ जी। वीडियो बनाया उन्होंने, फिर विकास यादव भैया हैं सांसद, उनके उन्होंने वीडियो देखा, फिर मेरा नंबर मांगा और उन्होंने मेरे को कॉल पे कहा कि अखिलेश भैया आपकी मदद करना चाहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।